बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क एंड आई एम आकाश नसीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेरी ऑर्चर्ड फेज़ वन के ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में जो एक डील चल रही है, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और ईस्टर्न विलास, ये 5 मरला डबल स्टोरी हाउसेज हैं जो कि क्यूलिंग्स की जानब से, जो कि बैरिया के डिवेलपर हैं, एक शानदार डील ये चल रही है। और आज के वीडियो में हम इन दोनों डील्स के हवाले से जो है उनको कंपेयर करेंगे कि इनमें जो प्राइस डिफरेंस है, इनकी जो लोकेशन है, उनमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी वाले से जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास जो हैं, अभी इनकी रीसेंट डील चल रही है जिसमें 5 मरला डबल स्टोरी हाउस की लोकेशन जो है ईस्टर्न ब्लॉक के बिल्कुल साथ में, ईस्टर्न एक्सटेंशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर इसकी लोकेशन आती है। बेसिकली 80 फिट रोड, जैसे ही आप बेरी ऑर्चर्ड की फेज़ वन में एंटर होते हैं, सामने जाके आपकी राइट साइड पर मॉस्क और हॉस्पिटल आता है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक रोड निकल रही है जो कि 80 फिट रोड है। ये 80 फिट रोड बिल्कुल सामने जाके कनेक्ट होती है, जिससे कि एक अप्रोच होगी ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में एंटर होने की, जहाँ पर ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप 5 मरला डबल स्टोरी हाउस 3 बेडरूम्स के साथ बुक करवाते हैं तो आपको 74,90,000 में कॉस्ट करता है, जबकि यहीं पर इसी लोकेशन में आपने जो विला की परचेजिंग किया, अगर उसमें आप 4 बेडरूम्स के साथ बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 79,90,000 में कॉस्ट करता है। दोनों सिनेरियोज़ में इसकी डाउन पेमेंट सेम है, 25 लाख जो है डाउन पेमेंट है। 3 बेडरूम्स की सूरत में आपको 95,000 की जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, जबकि 4 बेडरूम्स की बुकिंग के लिए आपको 1,10,000 की जो इंस्टॉलमेंट फर्दर पे करनी पड़ेगी। मज़ीद इसमें आपको बताता चलूँ कि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास, जिसका मैंने बताया कि बिल्कुल 80 फिट रोड के साथ कनेक्ट हो रहा है ईस्टर्न ब्लॉक से, ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में, इसकी लोकेशन की वजह से इसका नाम जो है ईस्टर्न एग्जेक्टिव विला दिया गया है। जबकि इसी के थोड़ा सा आगे जाके ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में आप देखते हैं तो वहाँ पर ईस्टर्न विलास की डील थी, जिसमें 5 मरला डबल स्टोरी हाउस जो है 69,90,000 में लॉन्च किए गए थे और उसकी जो है डाउन पेमेंट 23,80,000, जबकि मंथली इंस्टॉलमेंट 95,000 है। अब हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हमने आपके 69,90,000 के वाले से इन्फॉर्मेशन देखी है या हमने आपके 74,90,000 के वाले से इन्फॉर्मेशन देखी है, 79,90,000 के वाले से। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि ईस्टर्न विलास जो डील है वो पहले लॉन्च की गई थी, लोकेशन उसकी थोड़ी सी आगे जाके है कंपैरेटिवली ईस्टर्न एग्जेक्टिव विला, ब्लॉक सेम ही है ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक। ईस्टर्न विलास में सिर्फ 3 बेडरूम्स की कैटेगरी है, जिसमें 69,90,000 के 5 मरला डबल स्टोरी हाउस की आप बुकिंग करवाते हैं, जबकि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास में 2 कैटेगरी आ जाती हैं, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम, जिसका मैंने आपको बताया कि 74,90,000 में 3 बेडरूम, जबकि 79,90,000 में 4 बेडरूम्स के साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक नया अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि अगर आप ईस्टर्न विलास में बुकिंग करवाना चाहते हैं, जो कि पहले डील लॉन्च की गई थी, ये 69,90,000 में बुकिंग के हवाले से आखिरी मौका है, क्योंकि 25 नवंबर 2020 को ये रेट के साथ बुकिंग जो है क्लोज़ कर दी जाएगी। 26 नवंबर से अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहेंगे तो 74,90,000 में ईस्टर्न विलास भी आपको जो है बुक करवाने के लिए मिलेंगे। अगर आप 5 लाख उसकी जो है कम प्राइस पर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 26 नवंबर से पहले आपको उसकी बुकिंग करवाना जो है पड़ेगी। और इसी वाले से आपको बताता चलूँ कि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की डील क्योंकि बाद में लॉन्च की गई थी ईस्टर्न विलास से और प्राइस में उसकी ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास में अभी भी कुछ ऐसी लोकेशंस, प्राइम लोकेशंस पड़ी हुई हैं जिसमें फेसिंग पार्क, कॉर्नर या फिर जो है जनरल लोकेशंस में भी अच्छी कैटेगरी आपको अभी मिल जाएगी। मज़ीद अगर आप उसमें डिले करते हैं बुकिंग करवाने के हवाले से तो मुमकिन है कि बाद में आपको फिर बाउंड्री की लोकेशंस के जो विलास रह जाएंगे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि कॉस्ट आपको उतनी ही पड़ेगी जनरल कैटेगरी की, 3 बेडरूम 74,90,000 और 4 बेडरूम का 79,90,000। अगर आप ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास में बुकिंग करवाना चाहते हैं, ईस्टर्न विलास में भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है प्राइम लोकेशन के विलास हम आपसे शेयर करेंगे, उसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। और ये आखिरी मौका है इसमें बुकिंग करवाने का, चाहे आप ईस्टर्न विलास में बुकिंग करवाते हैं यहाँ पर ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर से ईस्टर्न विलास की वैसी प्राइस जो है बढ़ जाएगी। और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास में लोग लोकेशन की वजह से जो है काफ़ी मुतमिन है यहाँ पर बुकिंग करवाने के लिए, तो अभी हमारे पास कुछ ऐसी लोकेशंस प्राइम पड़ी हुई हैं जिसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पर उस तरह से 2,000-3,000 के राउंड विलास नहीं होते, हंड्रेड्स में ये विलास हैं अगर आप मैप पर इसको देखते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओवर हेयर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादातर ये विलास एंड यूज़र्स ही जो है परचेज़ कर रहे हैं, जिन्होंने कल को आके खुद वहाँ पर अपनी रहाइश रखनी है। कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं यहाँ पर जिन्होंने इसकी परचेजिंग करके कल को उसको रेंट आउट करना है, लेकिन एंड यूज़र के होने से ये होता है कि कल को आपका ब्लॉक जो है जल्दी पॉपुलेट होता है और आपकी प्रॉपर्टी अगर आप 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट के बाद इसे
खुद नहीं रहना चाहते या फिर रेंट आउट भी नहीं करना चाहते, तो 3 ईयर्स के बाद एक्सपेक्टेडली जो ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव विलाज़ है इसका रेट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वही है कि 90 से 95 लाख तक का ना मिनिमम इसका रेट होगा। और अगर आप जो भी इसमें बुकिंग करते हैं दरमियान में भी से कहीं पर आप डिस्पोज ऑफ करना चाहें, जो आपने डाउन पेमेंट किया है या जो भी इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किए हैं, आप 2 महीने बाद 6 महीने बाद साल बाद इसे अगर सेल आउट करना चाहें तो आप प्रॉफिट के साथ अपनी इस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने फंड्स निकाल भी सकते हैं। मीन्स के आप बाउंडेड नहीं है कि आपने जो परचेजिंग की है 3 ईयर्स तक आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करते नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी डिस्पोज ऑफ करना चाहें प्रॉफिट के साथ आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और लास्ट में यही कि अगर आपने इसमें बुकिंग करवानी है और आप ओवरसीज़ भी हैं तो आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें ऑनलाइन ईमेल करने होते हैं और फंड्स आप जो है डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूलिंक्स के नाम पर। इसमें ईस्टर्न विलाज में बुकिंग करवाना चाहें ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव विलाज में प्रोसेस सेम ही है कि आप इसमें बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये टोकन मनी करते हैं डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में और उसके बाद आपको 5 to 7 working days का टाइम मिल जाता है डेस्ट पेमेंट के लिए। अगर आपने फंड्स अपने पाकिस्तान मूव करने हैं ट्रांसफ़र करने हैं या ऑलरेडी अगर आपके फंड्स पाकिस्तान में हैं तो रेस्ट पेमेंट के लिए आप 24 लाख का जो है पे ऑर्डर बनवा लेते हैं कंपनी का क्यूलिंक्स के नाम का और आपके नाम पर जो ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव विलाज की बुकिंग जो है हो जाती है। और इसी तरह अगर आपने ईस्टर्न विलाज में बुकिंग करवानी है 26 नवंबर से पहले तो 23,80,000 आपको इसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद मंथ इंस्टॉलमेंट 95,000 जो है आपको पे करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो इसी हवाले से व्यूअर्स अगर आप इसी बैरियो ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में जो कि पॉपुलेटेड है जो कि LDA अप्रूव्ड है इसका ईस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक अभी क्योंकि एक्वायर किया गया फ्यूचर में जब तक आपको घर डिलीवर होंगे बन के एक्सपेक्टेडली तब तक ये भी LDA अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर तमाम तरह फैसिलिटीज़ अभी हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा, कमर्शियल मार्केट्स, बैंक्स और तमाम तरह यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो किसी भी जगह पर अगर आप घर लेके अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो तमाम तरह फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ये सबसे पहला फ़ेज़ है और सबसे पहले फ़ेज़ का ये ईस्टर्न ब्लॉक है जो कि बिल्कुल एंट्रेंस पे आता है और उसके साथ ही ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक की जो है लोकेशन है। तो व्यूअर्स इसी हवाले से अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जिसके बाद में आपको तमाम तरह डिटेल्स, इसका पम्फलेट, इसके पेमेंट प्लान, इसके ब्रोशर्स, इसकी लोकेशन और इससे रिलेटेड जो भी मैप वगैरह आपको चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हैं। इसी हवाले से आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पर भी जो है मौजूद है +9232111772727। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.rupn.com। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।